ईरान के स्टील और खनन सेक्टर पर अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंध अब भारतीय उद्योगपतियों पर भी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक खाड़ी देशों में मौजूद भारतीय उद्योगपति इस निर्णय से खासे प्रभावित होंगे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुधवार को ही ईरान के स्टील और खनन सेक्टर के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े प्रतिबंधों की घोषणा की थी। ये प्रतिबंध ईरान के परमाणु हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल पर पहुंच बनाकर खाड़ी देशों में अपना वर्चस्व बनाने से रोकने के लिए लगाए गए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन प्रतिबंधों का सीधे भारत पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत का स्टील आयात खाड़ी देशों से ना के बराबर है, लेकिन खाड़ी देशों में मौजूद भारतीय उद्योगपतियों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जो स्टील, बिलेट्स और छड़ों के एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं। ये जरूर है कि अमेरिका की इस घोषणा के बाद चाबहार पोर्ट में भारत के निवेशकों को निराशा जरूर होगी। साथ ही स्टील इंडस्ट्री से जुड़े अन्य भारतीय व्यवसायी भी इससे परेशान होंगे। साल 2017-18 में भारत का ईरान से लौह, स्टील, मशीनरी, मैकेनिकल उपकरण, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर और इलेक्ट्रिक उपकरणों का आयात करीब 1370 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रहा है। अमेरिका के इस बैन के बाद ईरान के स्टील उद्योगपतियों को अब निजी व्यवसायियों और छोटे देशों की तरफ देखना होगा। इसका मुख्य कारण ये है कि भारत और चीन जैसे बड़े देश स्टील का आयात पहले से ही ना के बराबर करते हैं। वहीं अन्य बड़े देश जो ईरान से स्टील मंगवा रहे थे, वो अब तेल की ही तर्ज पर इस आयात को भी बंद कर देंगे।